अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबूबकर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर आसिफ रज़ा और आज हम बात करेंगे ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स के ऊपर। और टॉप ट्रेंड्स देखें तो सबसे ऊपर जो ट्रेंड जा रहा है वो है हैशटैग असद उमर का। असद उमर के बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि असद उमर इनिशियली पीटीआई के अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। 2012 में इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी और अभी रिसेंटली उन्होंने पीटीआई छोड़ी है। और ना सिर्फ पीटीआई छोड़ी है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने काशिफ अब्बासी को एआरवाई में कोई अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया जिसके ऊपर वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। जो सबसे पहली ट्वीट आती है ये ट्वीट है हसन एस ए हसन सईद हैं गालबन इनकी तरफ से, जो लिखते हैं कि असद उमर इंटरव्यू विद काशिफ अब्बासी, असद उमर ब्लेम्ड इमरान खान डायरेक्टली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फ्रंटेशन विद स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आल्सो ही सेड इमरान खान शुड माइनस हिमसेल्फ। तो उन्होंने एक्चुअली असद उमर ने इमरान खान का डायरेक्टली नाम लेकर तो ये नहीं कहा था कि वो अपने आप को माइनस कर लें, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने माइनस वन की बात की है। तो ये माइनस वन की बात क्या असद उमर कर रहे हैं या फिर ये किसी और के अल्फाज हैं जो असद उमर से स्क्रिप्ट करवाए गए हैं या किसी और के अल्फाज हैं जो असद उमर बोल रहे हैं या असद उमर से बुलवाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। द नो फोर्सफुल माइनस वन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड ही आल्सो सेड दैट शाह महमूद कुरैशी विल लीड वाटर शेम। असद उमर एंड शाह महमूद कुरैशी इन दोनों को आजकल इकट्ठा देखा जा रहा है, इवन कि कोर्ट के चक्कर भी इन दोनों के इकट्ठे ही लग रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये माइनस वन की बात किधर से आई है और असद उमर से ये किधर से बुलवाई गई है। सर आसिफ, अगली ट्वीट आप काइंडली पढ़ें कि क्या कह रहे हैं ट्विटर पे लोग। अच्छा जी, अगली जो ट्वीट है वो है शहजाद सलीम साहब हैं कोई, इन्होंने ट्वीट की और इन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर दो पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने उठाए हैं। नंबर वन है जी, हाउ कम अ पीटीआई स्पोक्स पर्सन अलाउड टू इंटरव्यू ऑन टीवी इफ़ एनी अदर देन असद उमर इज़ नॉट अलाउड। यानी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे ये शहजाद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया पीटीआई का जिसने पीटीआई छोड़ी हो और वो मीडिया के ऊपर आके जो है ना उसने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हो, तो ये असद उमर ही क्यों एक ऐसा बंदा है जो कि पीटीआई का जो है फॉर्मर, जैसे बकर ने बताया कि मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, फिर उन्होंने बीच में कभी आना और कभी उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया। तो ये ही क्यों ऐसे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद बंदा जो कि मीडिया के ऊपर आके जो है वो इंटरव्यू दे रहा है। तो एक उन्होंने ये बड़ा अच्छा सवाल जो है ना ये पूछा है और दूसरा उन्होंने पूछा है वाई इज़ ही एन एंकर टेकिंग नेम्स ऑफ इमरान खान व्हेन इट्स नॉट अलाउड बाय अनदर पर्सन, ही वॉज देयर फॉर अ रीज़न। यानी दूसरा सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा उठाया कि वैसे तो पैमरा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगाई गई है कि जी इमरान खान का नाम लेना जो है वो मीडिया के ऊपर अलाउ नहीं है, स्पेशली ये जो है केबल ऑपरेटर और जितने टीवी चैनल्स हैं इनके ऊपर जो है वो अलाउ नहीं है। उस प्रोग्राम में जो है वो सरेआम एंकर और वो जो हैं असद उमर साहब वो नाम ले रहे हैं, इमरान खान का बाकायदा जो है वो नाम लिया जा रहा है। तो ये क्या चक्कर है कि ना वो प्रोग्राम बैन हुआ, ना वो एंकर बैन हुआ, ना जो है वो असद उमर का इंटरव्यू जो है वो ब्लॉक किया गया, वो बल्कि जो है वो इंटरव्यू तो बड़ा वायरल हुआ हुआ है। तो ये शहजाद साहब ने बड़े अच्छे यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट उठाए हैं कि भाई एक तो ये कि वो पहला बंदा जो कि पीटीआई का आया जिसने रिज़ाइन किया हुआ, और दूसरा ये है कि अब कहाँ गया पैमरा और अब कहाँ गया वो सारा मीडिया जो कि इसको रोक रहा था और जो है वो सरेआम जो है जिसके ऊपर नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट हरकत में आई, ना कोई पैमरा की जो है वो टीम हरकत में आई। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये बड़ा वैलिड है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्वीट। ये फिरोज़ा है जिन्होंने ट्वीट किया है, हैशटैग इमरान खान विल नेवर स्टेप डाउन, यस ही वोंट, असद उमर्स इंटरव्यू गिवन टू काशिफ अब्बास टुडे इज हिज फेयरवेल इंटरव्यू नॉट ओनली फ्रॉम तहरीके इंसाफ बट आल्सो फ्रॉम पॉलिटिकल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, गुड बाय असद उमर। अब इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि असद उमर का जो ये वाला ये जो आज का इंटरव्यू है दो के, असद उमर ने खुद तो ये कहा है कि आई डोंट रिज़ाइन फ्रॉम पीटीआई स्टिल, इमरान खान रहे ना रहें, इमरान खान माइनस वन हो जाएं, बेशक शाह महमूद कुरैशी लीड करें, जो भी लीड करें, असद उमर ने तो खुद कहा था कि आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन दो के उनके कहने के बाद ऑन द ऑर्डर्स ऑफ इमरान खान उनको किक आउट कर दिया गया फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये बात असद उमर ने तो खुद कर दी, लेकिन पब्लिक इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट असद उमर एनीमोर। पब्लिक
ऑब्वियसली अब एक पॉलिटिशियन कैसे इन फेम आता है या एक पॉलिटिशियन कैसे गवर्नमेंट के अंदर आता है, दैट इज़ थ्रू पब्लिक। पब्लिक ही अब असद उमर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पब्लिक ही अब असद उमर के अगेंस्ट जा रही है। इवन पब्लिक इज़ नाउ सेइंग कि असद उमर का ये फेयरवेल है फ्रॉम पॉलिटिक्स, नॉट ओनली पीटीआई, कि उनको किसी भी पार्टी के अंदर चले जाएं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू, इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम असद उमर जो वो इस इंटरव्यू से पहले थे। एनीवेज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्वीट। सर आसिफ, अच्छा एक बात ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, ये जो अभी अबूबकर ने जो है वो ट्वीट पढ़ी थी ये फिरोजा की, कि उन्होंने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दिया है कि जी गुड बाय असद उमर, के उन्होंने जो है उनका ये खात्मा हो गया है बकौल स्पीड के फेयरवेल इंटरव्यू, नॉट ओनली फ्रॉम तहरीक इंसाफ बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो हर बंदे के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ये ट्वीट जो है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये जितने पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इनका कोई ये नहीं होता कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो एक दरख्त से उड़ के दूसरे दरख्त पे, दूसरे से उड़ के तीसरे दरख्त पे। सो फॉर द टाइम बीइंग मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई लग रहा है कि हमें जो है ना वो उन्होंने छोड़ दिया, तो आपने देखा होगा कितने छोड़े हुए जो है वो कहीं कुछ किधर चला गया, कोई किधर चला गया भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स सियासत एक ऐसा नशा है जो जिसको लग जाता है ना, जब उसको इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जब वो इसके अंदर आ जाता है तो फिर उसे वो छूटता नहीं है, फिर उसे छुड़वाया ही जा सकता है, वो खुद जो है वो नहीं छोड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मे बी इट इज़ माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी जो है वो ये गलत भी हो, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने आपसे जो है वो शेयर कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं, ये हसन साहब जो हैं सईद, इन्होंने एक और जो है वो ट्वीट किया है, दैट असद उमर टुक द नेम ऑफ इमरान खान इन यस्टरडेज इंटरव्यू फॉर मोर देन 20 टाइम्स, इन नॉर्मल कंडीशन यू कांट टेक अ किंग नेम ऑन द टीवी। अच्छा इन्होंने ना इमरान खान को यानी किंग बना के जो है वो पेश किया है, कि वैसे तो अलाउ नहीं है, जैसे हमने ये पिछला भी एक ट्वीट ऐसा इसका पढ़ा था, इवन द गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउड टू टेक द नेम ऑफ मिस्टर इमरान खान फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा उन्होंने ना इसको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी यानी फॉर्मर की जगह उन्होंने बड़े मजे की बात की, उन्होंने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इसको कहा हुआ है। सो ए आर वाई वॉज अलाउड टू टेक नेम ऑफ जस्ट फॉर दिस प्रोग्राम, कि ये ए आर वाई ही क्यों ऐसा चैनल है जिसके ऊपर जो है वो असद उमर को बुलाया गया और असद उमर का जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और उसके अंदर जो है वो नाम भी जो है वो लिया गया और कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। ये ट्वीट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसके अंदर भी जो है ना यही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसने बड़ा अच्छी बात की है, लेकिन यहाँ पे हसन ने ना हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ए आर वाई ही क्यों, ये भाई हाई लेवल की गेमें हैं, ये वही जाने कि ए आर वाई क्यों, जियो या बाकी जो हैं वो क्यों नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्वीट की तरफ, ये सुंदस ने जो है ये ट्वीट किया, ये बकर आपको जो है ना ये ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। अच्छा जी, सो नेक्स्ट ट्वीट है सुंदस की, जो कहती हैं कि असद उमर टुडे ही डिड नॉट से थिंग्स क्लियरली बिकॉज ही इज़ अवेयर दैट ही इज़ स्टिल ऑन टारगेट एंड ऑफ असद उमर नो और असद उमर यस, और मे बी शायद उन्होंने इसलिए भी चीज़ें क्लियरली नहीं मैंशन की कि जिन्होंने उनसे बुलवाई हैं, बिकॉज एवरी वन ऑन ट्विटर इज सेइंग कि असद उमर इज़ नॉट सेइंग इट, असद उमर से ये सब कुछ बुलवाया गया है। तो जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा था या जिसने भी ये बुलवाया था, शायद वो खुद ही चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं करना चाहते, बिकॉज एक दफ़ा उन्होंने क्लियरली मेंशन करके या फिर एक दफ़ा क्लियर स्टेप इमरान खान के अगेंस्ट लेके उन्होंने 9 तारीख को देख लिया था कि क्या हुआ था। तो मैं भी ये इनडायरेक्टली बात करके लोगों के अंदर ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि ही इज़ नॉट राइट, लेकिन लेट्स सी व्हाट्स द सेकंड पॉइंट ही सेज, ही वॉज सेंट टू मेक सर्टेन पॉइंट्स क्लियर। ये ट्विटर के ऊपर दोबारा भी वही बात चल रही है कि ही वॉज सेंट, असद उमर खुद नहीं आए थे, उनको भेजा गया था टू सर्टेन पॉइंट्स क्लियर, बिकॉज हांस नेम नॉट बीप्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट सीम्ड स्क्रिप्टेड, हायर आ न्यू स्क्रिप्ट राइटर। यस दिस सीम्ड स्क्रिप्टेड, ऑल द ट्विटर इज सेइंग, ऑल द ट्विटर इज शाउटिंग के असद उमर का सारा जो इंटरव्यू था वो स्क्रिप्टेड लग रहा था, और ये भी लग रहा था कि वो उनको खुद उधर बिठाया गया था, और चूज़ भी क्यों, मतलब ए आर वाई को चूज़ किया गया, जिस चैनल को एक वक्त में प्योर पीटीआई चैनल कहा जाता था, उसी चैनल को चूज़ करके उनको उसी जगह पे बिठा के -1 की बातें करवाई गई हैं। सो दैट मीन्स ही वाज सेंट। अच्छा और एक और ना इसके अंदर बड़ी उन्होंने मज़े की बात लिखी है, ये सुंदस का जो ट्वीट है इसके अंदर, कि इट सीम्स स्क्रिप्टेड, हायर अ न्यू स्क्रिप्ट राइटर। ये पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पीटीआई के कोई वर्कर थे, अब वो मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, तो वो जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो आगे एक एंकर ने बड़े मज़े का सवाल पूछा था, उसने सवाल ये पूछा था, उसकी समरी बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे वर्डिंग उसकी याद नहीं है, उसकी समरी ये थी
कि जी आप जितने भी लोग जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं उन सब की जो है वो स्क्रिप्ट एक किस्म का ही होता है। तो उसने भी यही बात की थी कि भाई अपना स्क्रिप्ट राइटर जो है वो चेंज करे, क्योंकि जो मुल्तान से छोड़ के जा रहा है, जो पिंडी से छोड़ के जा रहा है, जो कराची से छोड़ के जा रहा है, सब के सब जो हैं वो एक ही डगर के ऊपर एक ही स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है ना वो वही बात की। तो अगले हम ट्वीट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, बड़े मज़े का है ये। अब नवीद अली हैं, उन्होंने लिखा है, ऑन असद उमर इंटरव्यूज I would like to share a quote of Sheikh Rashid. अब शेख रशीद साहब जो हैं, जो हमारे पिंडी बॉय हैं, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने ये नवीद साहब ने जो है उसी को ट्वीट किया है, उन्हीं का नवीद साहब ने जो है वो उन्हीं की कोटेशन को ट्वीट किया है शेख रशीद की, कि असली और नस्ली विल नेवर लीव इमरान खान, दैट्स इट। कि जो असली होगा और जो नस्ली होगा वो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो नो कमेंट्स कि जी असली और नस्ली जो है वो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा और जो छोड़ जाएगा वो असली और नस्ली नहीं होगा। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि जो बंदे अभी छोड़ के गए हैं पहले ये असली और नस्ली थे और फिर जो है ये बाद में असली और नस्ली जो है वो नहीं रहे। यानी 10-15 साल तक असली नस्ली थे, उसके बाद जो है वो 15-1 साल के बाद, 12 साल के बाद ये असली नस्ली नहीं रहे। गॉड नोज़ ये अब शेख रशीद साहब जो हैं ये बेहतर कॉमेंट कर सकते हैं कि वो इससे जो है वो क्या कहना चाह रहे थे। तो अगले ट्वीट की तरफ जो है वो मूव करते हैं जी। अबकर, ये अगला ट्वीट है कि राणा साहब ने, ये कह रहे हैं जी, असद उमर्स इंटरव्यू विद काशिफ अब्बासी कन्फर्म्ड हिज सिंसेरिटी विद वन सेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कितने लॉयल थे, वो कितने सिंसेयर थे, कि जिस शख्स ने उनको 2012 से ले कर अब तक अपनी पार्टी में रखा, जिस शख्स ने उनको अपनी पार्टी का वाइस चेयरमैन बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जिस शख्स ने उनको डिफरेंट ओहदों के ऊपर लगाया, उसी शख्स के ख़िलाफ़ और उसी शख्स को आप -1 की बातें सुना रहे हैं, उसी शख्स को कह रहे हैं कि वो रहे ना रहे, मतलब जो शख्स पार्टी, जिसने पार्टी की बुनियाद रखी है, जिस शख्स के नाम से पूरी पार्टी चलती है, आप उसी को वो -1 सुना रहे हैं और उसी को वो कह रहे हैं कि वो रहे ना रहे, आई एम अ पार्ट ऑफ PTI एंड ऑल दैट। तो ये तो फिर उनकी लॉयल्टी ऑब्वियसली इस इंटरव्यू के बाद बिल्कुल सामने आ गई है, बिल्कुल शीशे की तरह आया हो गई है। We'll move on to the next interview, next tweet, Sir Asif, please. अच्छा जी, आगे जो है ये हमारे पास शबनम हैं कोई, इन्होंने ट्वीट किया कि असद उमर का इंटरव्यू सुना, बहुत कंफ्यूज था भाई, वो समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे और क्या नहीं। असद उमर सब कह भी रहे और कुछ कहा भी नहीं। बड़े आखिर में जो है मज़े की एंडिंग की है के बकौल ये शबनम के, वो कन्फ्यूज़ इंटरव्यू था। कुछ तो बंदों ने, हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे कुछ बंदे तो कह रहे थे बड़ी क्लैरिटी से उसने बातें की, जबकि ये शबनम मोहतरमा जो है इनका ये कहना है कि वो कन्फ्यूज़ थे, कि कुछ कह भी रहे थे कुछ नहीं भी कह रहे थे। यानी अगर हम इसको समराइज़ करें तो ऊपर वाली बात आती, जैसे हमने ऊपर एक ट्वीट डिस्कस किया था कि ये स्क्रिप्टेड था, तो शायद वो यही कहना चाह रही हूँ कि ये स्क्रिप्टेड था। यानी वो जो उन्होंने जो कहा असल में कहना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़ है, दैट उसको ये एक्सप्लेन कैसे जो है ना वो किया जा सकता है। तो ये था शबनम का। आगे जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ट्वीट जी अबकर, अगली ट्वीट है अब्दुल्ला चौधरी की। अब्दुल्ला चौधरी कहते हैं, उन्होंने असद उमर को टैग किया कि डिड यू फील अ शेम आफ्टर गिविंग दैट इंटरव्यू अगेंस्ट इमरान खान, इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी अ फॉर्मर एलाई स्पीक आउट अगेंस्ट द लीडर हु ट्रस्टेड एंड सपोर्टेड यू, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट शुड कम फर्स्ट। तो बार बार लोग ट्विटर के ऊपर दो किस्म की बातें तो बहुत कॉमन आ रही हैं, एक कि असद उमर से ये कौन है जो स्क्रिप्ट बुलवा रहा है, सिर्फ असद उमर ही नहीं बाकी लोगों से भी, ये कौन है जो इनको चैनल चूज़ करके, किस शख्स को बुलाना है वो बंदा चूज़ करके उनसे ये बातें बुलवा रहा है, एक तो लोग इस चीज़ के बारे में सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है वो इन लोगों की लॉयल्टी पे है, कि जिस शख्स ने तुम्हें 2012 से अपनी पार्टी में रखा, जिस शख्स ने आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उस शख्स के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इस तरह के इंटरव्यू के ऊपर के बाद तो लॉयल्टी के ऊपर बातें करनी बनती भी हैं, और इट इज़ एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग। एनीवेज, सर आसिफ, नेक्स्ट वन। अच्छा जी, आगे जो है ये मोहम्मद अली है शायद नाम इनका, डिसएग्री विद यू असद उमर इंटरव्यू ऑन ARY इज इंफॉर्मेटिव एंड ट्रूथफुल। अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा समझने में कासिर हूँ कि डिसएग्री विद यू असद उमर इंटरव्यू ऑन ARY इज इन्फॉर्मेटिव एंड ट्रूथफुल, के एक साइड पे इन्फॉर्मेटिव और ट्रूथफुल, और दूसरा उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि जी असद उमर से जो है वो डिसएग्री करते हैं, यानी जो उसने बातें की हैं उन्होंने बताया कि ये गलत हैं, बकौल ये मोहम्मद अली, जैसे मैंने आपको बताया शायद मोहम्मद अली ही नाम है,
उनके बकौल जो है ये वो भी जो है वो इत्तफाक नहीं करते असद उमर साहब से जो उन्होंने इंटरव्यू में जो है वो बातें की थी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट ट्वीट है सैयद हुसैन साहब की। ये कहते हैं कि असद उमर हैज़ गिवन अ गुड इंटरव्यू टू काशिफ अब्बासी। तो इसके ऊपर कुछ लोग असद उमर की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी ट्वीट्स मैंने स्क्रॉल की हैं उन सब में ये पहली ट्वीट आई है जिसके अंदर किसी ने तारीफ की असद उमर की। तो मे बी लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज आर वेलकम्ड। तो मे बी आई डोंट नो, लेकिन आई डोंट एग्री विद व्हाट दिस गाय इज सेइंग। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्वीट है हमारे पास ये एस एन गुजर साहब की। अब इन्होंने वही बात की जो पूछी हमने एक ट्वीट पढ़ा था। असद उमर इंटरव्यू गिवन टू काशिफ अब्बासी टुडे इज हिज फेवरेबल इंटरव्यू नॉट ओनली फॉर फ्रॉम तहरीक इंसाफ बट ऑल्सो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, गुड बाय असद उमर फॉर गुड। तो इसके ऊपर जो है वो पहले मैंने बात कर भी दी थी कि मेरे ख्याल से जो है ये सियासतदान इस तरह जो है वो नहीं छोड़ते अपनी पार्टी को। और अगर हम इन सारे ट्विटर्स के जितने ट्रेंड्स हैं जितनी हमने ट्वीट्स पढ़ी हैं इसको अगर हम समराइज करें, जो हमारा ये टॉप ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चल रहा था कि लोगों के अंदर जो है वो गम और गुस्सा पाया जा रहा है इस इंटरव्यू को लेके। कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का रुझान ये है कि ये असद उमर ने जो है ये गलत किया है कि एक बंदे ने आपको अपने साथ 12-15 साल तक रखा, आपको मिनिस्टर बना के रखा, सब कुछ किया, और जब हालात ज़रा टफ आए तो आपने जो है वो एक तो अपना अलग रास्ता कर लिया और उसके बाद जो है वो आपने बातें करना भी शुरू कर दी। तो अगर भाई छोड़ना था तो उस टाइम छोड़ते, अगर आपको प्रॉब्लम था तो उस टाइम आप जो है ना वो छोड़ते, क्योंकि जिन लोगों ने आपके धरनों के अंदर शिरकत की, जो लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आपके कहने के ऊपर आए, जिन लोगों ने इस्लामाबाद में धरने में महीनों जो है वो गुजारे, बारिश सर्दी गर्मी उन्होंने जो है वो बर्दाश्त की, जिन माओं ने जो है वो अपने बच्चों को आपके परचम पकड़ा के जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो भेजा आप लोगों के लिए, आप तो आराम से अलग हो गए। आपने तो आराम से कह दिया कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने तो कह दिया कि जी मैं तो उसे एग्री नहीं करता था पॉलिसी से तो इस वजह से था। तो मुझे ये बताएं कि उन लोगों का जो आपने वक्त ज़ाया किया, उन लोगों की जो आपने एनर्जी ज़ाया की, वो फिर किस खाते में जाएगी भाई? वो लोग जो आपकी एक आवाज़ के ऊपर जो है वो अपने घरों में से जो है वो निकल के आ गए, आप तो बिल्कुल साइड पर हो गए ना। आपने तो कहा जी आपने अपना वो यू टर्न ले लिया कि मेरा जो है वो अब रास्ता अलग है, तो आप तो बिल्कुल अलग हो गए। तो उन लोगों का क्या, उन बच्चों का क्या जो कि जो है वो आपके कहने के ऊपर आए, या उन नौजवानों का क्या जो कि आपके कहने के ऊपर आए? तो इसका एक हम इख्तिताम यूँ करेंगे कि जब यजीद मर जाता है तो बाद में तो सारे उसको मुर्दाबाद और लानत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, असल में जब यजीद ज़िंदा था तो उस टाइम पर किन लोगों ने जो है मुर्दाबाद कहा वो बंदे थे असल में। तो भाई अगर आपको मसला था तो आप उसके टाइम पर बताते कि जी मैं आपसे जो है वो डिसएग्री करता हूँ। उम्मीद है आपको ये जो हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगली पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।